अच्छे दिन, अच्छे दिन। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे ने 2014 में देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इस नारे ने देश की जनता के दिल दिमाग में ऐसे घर कर लिया मानो मोदी जी देश की समस्याओं के समाधान का ब्लूप्रिंट बनाकर बैठे हैं। सबने ऐसा मान लिया था कि मोदी जी यहां प्रधानमंत्री बने और वहां देश गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के दलदल से बाहर आया। मोदी जी के जुमलों में सबसे बड़ा जुमला था नौकरियां। प्रधानमंत्री ने हर साल देश के युवा को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, पर असलियत ये है कि लोगों को नौकरी देना तो दूर, सरकार अब सरकारी कंपनियों को बेचकर नौकरियां खत्म करने पर आ गई है। रेलवे, LIC, BPCL जैसी तमाम कंपनियां एक एक कर बेची जा रही हैं। इस पर भक्तों का तर्क बिल्कुल ठीक बैठता है, जिसमें वे बोलते हैं कि सरकार सबको नौकरी कैसे दे दे, अब पद ही नहीं रहेगा तो राष्ट्रवादी सरकार भला कैसे नौकरी दे। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर। सरकार के साथ साथ चयन करने वाले बोर्ड भी छात्रों की भर्तियों को लटकाने में पीछे नहीं रहते हैं। SSC और रेलवे को ही ले लीजिए। फरवरी 2020 में मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में कहा था कि केंद्र सरकार के अंतर्गत 6,83,000 खाली पद हैं। इसमें 1,13,000 पद ऐसे हैं जिनकी चयन प्रक्रिया SSC और रेलवे को करनी है। फिर भी ना तो बोर्ड और ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है। रेलवे NTPC 2018 के बारे में तो आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा। वैकेंसी निकालने के 3 साल बाद भी एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। खैर, ये तो हुई एग्ज़ाम और रिजल्ट की बात। SSC की परीक्षा देने वाले छात्र SSC से वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर चयनित छात्र नौकरी ज्वाइन नहीं करता है तो वही नौकरी वेटिंग लिस्ट वाले छात्र को मिल जाएगी और पद भी भर जाएगा। नहीं समझे तो शुरू से समझाते हैं। मान लीजिए SSC ने 100 पदों की वैकेंसी निकाली और 1,000 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, 100 का चयन हुआ। आमतौर पर अगर भर्ती में घोटाला ना हो, पेपर लीक ना हो या फिर पेपर में दिक्कत को लेकर छात्र कोर्ट ना जाएं, तो भी SSC को भर्ती पूरी करने में औसतन 2 साल का समय लग जाता है। इन 2 सालों में छात्र अन्य परीक्षा भी देते हैं और अगर इस बीच छात्र नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो चयनित 100 छात्रों में से 90 नौकरी ज्वाइन करेंगे और 10 पद रिक्त रह जाएंगे। वेटिंग लिस्ट से होगा ये कि उन 10 रिक्त पदों पर भी छात्रों को ज्वाइन करा दिया जाएगा। इससे छात्रों को नौकरी भी मिल जाएगी और भर्ती भी पूरी हो जाएगी। छात्रों का चयन करने वाला लगभग हर बोर्ड वेटिंग लिस्ट जारी करता है और इससे बोर्ड को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चयन करने वाला बोर्ड SSC छात्रों को लेकर गंभीर नहीं है और छात्रों की मांग पर मुँह और कान बंद किए हुए है। बस एक सवाल, आखिर कब तक केंद्र सरकार देश के युवा को दिन पे दिन बेरोजगार बनाती रहेगी? क्या छात्र की आंखों में पलने वाले सपने कभी साकार हो पाएंगे? ये तो आने वाला दिन ही बता पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।